होगा, उनकी नीतियों को इम्प्लीमेंट करने का बहुत अच्छा मौका है, लेकिन चैलेंजेस क्या आने वाले हैं जब वो सरकार गठित होगी, किन किन कौन कौन से इशू ऐसे होंगे, कौन कौन से मुद्दे होंगे जहाँ उनकी चुनौतियाँ होंगी? चुनौतियाँ तो चूंकि इनको इतनी सीटें मिल गई, ये चुनौतियाँ भी नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी कुछ देर पहले कैबिनेट मीटिंग बैठक हुई जिसमें बाहर चीज़ें निकल के आई कि किसानों की आय को बढ़ाने की बात हुई है, गंगा की सफाई को और तेज़ी से करने की बात आई है, लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छ पानी मिले, तो ये अभी जो कैबिनेट मीटिंग हुई है इसमें इस बात पे चर्चा हुई है, जो बात निकल के आई है। लेकिन जो कुछ पॉइंट हैं जैसे जनसंख्या नियंत्रण की बात है, धारा कश्मीर में धारा 370 है, 35A है, राम मंदिर है, सामान्य नागरिक संहिता है, आरक्षण आर्थिक आधार पर आरक्षण का बात है, दिल्ली को पूर्व राज्य का दर्जा, जो तमाम लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इसके अलावा बहुत सारे जैसे बिहार है, आंध्रा है, ये सब विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, इसके अलावा ट्रिपल तलाक जिसको एक अध्यादेश के रूप में लाया गया इसको कानूनी दर्जा देना, ये सब चैलेंजेज होंगे। लेकिन साथ में उनके पास संख्या भी है कि इन चीज़ों को कानूनी जामा पहनाने के लिए। तो बाकी चीज़ों पे तो हम बात नहीं करेंगे, शुरुआत कश्मीर से करते हैं कि क्या पवन जी आपसे और अर्जुन जी आपसे भी इस पे आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या धारा 370 और 35A हटाने का सही वक्त आ गया है और नरेंद्र मोदी सरकार निश्चित तौर पे उस स्थिति में है कि ज्वाइंट सेशन बुलाकर या पार्लियामेंट में अध्यादेश लाकर उसको पास कराकर कर सकती है, लेकिन क्या ये साहस नरेंद्र मोदी दिखाएंगे? देखिए, जहां तक ये बड़े मुद्दे आपने बहुत सारे गिना दिए, एक मुद्दा जो बड़ा इस पे हम बात करेंगे, हर एक चीज पे बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, जहां तक ये 370 वाला मामला और 35A वाला मामला है, जब पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी जम्मू कश्मीर में, उस वक्त दुविधा थी इन मुद्दों पे, दुविधा थी। परंतु जब ये सामने अभी की स्थिति अगर हम बोलें तो बीजेपी ने स्पष्ट रूप से वहां कहा है कि 35A तो हम हटाएंगे, ठीक है, धारा 370 हम भी जानते हैं। एक बार मेरे दर्शकों को आप बताइए कि दोनों में अंतर क्या है, जो 370 है और 35A है उसमें, मतलब जो क्रिटिकल चीजें हैं क्या है, एक बार थोड़ा सा एक सोचते संक्षेप में कि समझा दे तो ज्यादा आसान होगा कि क्या उसमें कमियां हैं या क्यों हटाना चाहिए या क्या दिक्कत है, उसको एक बार थोड़ा सा समझाऊंगा, एक दो लाइन में जरूर समझाएं कि आखिर जो बहुत सारे दर्शक होते हैं जिनको पता नहीं होता, वो सिर्फ जानते हैं कि 370 है 35A है, तो दोनों में अंतर क्या है और ये चीज़ें हैं किस लिए हैं, क्यों लगाई गई थी, तो एक एक लाइन में चाहता हूँ थोड़ा सा जो ले मैंने उसकी समझ में आ जाए कि ये है क्या, इसके बाद जहाँ तक धारा 370 की बात है, हम सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर को संवैधानिक तौर पर स्पेशल राज्य का, विशेष राज्य का उसको वहाँ विधान है, वहाँ का जो झंडा है इवन वो भी अलग है, वहाँ के जो केंद्र के कुछ कानून हैं वहाँ पे वो नहीं चलते, जो केंद्र के छः साल पे चुनाव होता है झंडा। और बड़ी बात क्या बात उसके बेस पे ये सारा का सारा जो खेल खेला जाता है वहाँ पे, आतंकवाद का मूल जड़ हम सभी जानते हैं कि जहाँ तक है उसके टारगेट पे रहता है जम्मू कश्मीर हमेशा ही, तो ये 370 जो है स्पेशल दर्जा है वहाँ जो दिया गया है संवैधानिक तौर पे। और बड़ी बात कि उसको जो है अगर उसको बदलना है, उसको अगर चेंज करना है तो उसकी प्रक्रिया बड़ी जटिल है। जटिल प्रक्रिया क्या है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का वहाँ का उनका डिसीजन लेके, उसको मान्यता लेके फिर केंद्र सरकार के पास वो आएगा, और यहाँ भी 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ उसके पक्ष में चीजें होंगी, तब कहीं परिवर्तित हो सकता है। 2/3 इनके पास है ना? नहीं, 2/3 तभी तो कह रहे हैं कि तब, तो उन्होंने मुद्दा कहा है कि 35A का मुद्दे से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जहां तक ये बहुत पुराना मुद्दा है, एकदम आप किसी प्रदेश की जनता पे जो कि जो अल्पसंख्यक बहुल, जो भारतीय संविधान के रूप में जो अल्पसंख्यक बहुल जो राज्य है उस पे थोपने वाली स्थिति तो आजकल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं है। तो और 35A पे और 370 पे स्पष्ट है बीजेपी की नीति कि हम वहां पे, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी वाला फॉर्मूला वहां पे लगाया जाएगा, है ना, इंसानियत जमहूरियत, ये दो जो दो तीन चीजें हैं जो है इंसानियत, इनके इनके इस फॉर्मूले के बेसिस पे जम्मू कश्मीर की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उस दिशा में मुझे लगता है कि जरूर केंद्र सरकार, क्योंकि बहुमत की सरकार उस दिशा में बढ़ेंगी। 35A में जो 35A की जहां तक बात है उसमें स्पेशल राइट्स हैं वहां पे, जो जमीन खरीदने वाला मामला है या बाकी भी जो स्पेशल अधिकार वहां को मिलते हैं, चेंज करने वाले परिवर्तन, क्योंकि वहां के जो रूल है 370 के अंतर्गत तो विशेषाधिकार जम्मू कश्मीर को मिला हुआ है, उसमें केंद्र सरकार की सुपरविजन में वो बहुत सारी चीजें नहीं आती है। यही बड़ा मसला है कि वहां पे जो केंद्र सरकार और जो बाकी राज्यों पे जो लागू होती हैं चीजें
वो चीज़ें धारा 370 के अंतर्गत जो है जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होती, ये समस्या जी, है। जी पवन जी, एक बार अर्जुन जी का इस पे मत जान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट बहुत सारे हैं, इशू बहुत सारे हैं, समय बहुत कम है, वक्त की कमी है और हमें वाइंड अप भी करना है, तो सारे पॉइंट सोचते हैं जल्दी जल्दी कुछ दो चार चीजें संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में। धारा 375 ए ही मूल रूप से जी एक भारत को जम्मू कश्मीर से अलग थलग कर रही है। 370 विशेष राज्य का दर्जा देती है, उसमें हम उसको न भी खत्म करें चल जाएगा, तो चल जाएगा जी जी। और 35A जो है वो संविधान के हिसाब से उसमें जोड़ी ही नहीं गई है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 1954 में उसको जोड़ दिया गया जी। आप संसद की कार्रवाई को उठाकर देखें, उसको जोड़ने के लिए उस कोई बहस नहीं हुई, कोई प्रस्ताव नहीं आया। आप संविधान में कोई चीज जोड़ कैसे सकते हैं जब तक कि उसको संसद ने पारित ना किया हो? तो जिस तरह से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आपने 35A जोड़ दिया, उसी तरह से आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाके इसको खत्म कर सकते हैं। दूसरी चीज, 35A क्या कहता है? 35A कहता है कि जम्मू कश्मीर से इतर भारत के किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक आकर वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता, नंबर वन। नंबर टू, अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला, कोई लड़की जम्मू कश्मीर से बाहर किसी हिंदुस्तानी से शादी करती है तो उसके सारे अधिकार खत्म जी। लेकिन अगर वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में किसी से शादी करती है तो उसके सारे अधिकार बरकरार। ये है झगड़े की मूल जड़, काफी क्रिटिकल है। एक बार आप 35A हटा देते हैं तो वहां के लोग देश के बाकी राज्यों में शादी कर पाएंगे, जमीन ले इधर। अच्छा, जब वहां हम नहीं खरीद सकते तो आप हमारे यहाँ मतलब दूसरे राज्यों में आकर कैसे जमीन खरीद लेते हैं? और आप वहां का कोई पुरुष इधर की किसी महिला से शादी करता है तो फिर वहां उसको कैसे आप सारे अधिकार देते हैं? लेकिन अर्जुन तो जी, ये एक तो ये है कि 35A का मामला है, 35A कैसे हट सकता है हमने आपको बताया। दूसरी, अगर इनको 2/3 चाहिए मेजोरिटी संविधान तो वो तो इनके पास है, संख्या है ना कि 545 में से लगभग 350 से ऊपर 350 के आसपास तो जीत के ही आ रहे हैं। इसके अलावा जो आपको भी पता है कि जैसे YSR इनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनके पास 22 सदस्य हैं, बहुत सारे दल, बीजेडी है 12 उनके हैं, तेलंगाना में TRS है 9 उनके हैं, निर्दलीय भी 9 है, तो ये सब जमा पूंजी जोड़ा जाए तो 50 के आसपास ये हो जाते हैं, 400 से ऊपर चले जाएंगे, दो तिहाई से बहुत ज्यादा है, जबकि दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, दो तिहाई 363 जी। तो ये है मामला जी जी। बाकी 370 भी ये कोई परमानेंट धारा नहीं है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने समय से चल रहा है। एक और मार्के की चीज बताऊं आपको, 370 पे जो लोग कहते हैं हट ही नहीं सकता, इसमें चेंज नहीं हो सकता, जब ये भारत के साथ मिला था 370 जोड़ा गया जब संविधान में, तो उस समय पंजाब में सॉरी जम्मू कश्मीर में सदर रियासत हुआ करता था, प्रधानमंत्री संशोधन करके वहाँ मुख्यमंत्री किया गया, प्रधानमंत्री का पद हट गया। पहले आप भारत का झंडा वहाँ नहीं फहरा सकते थे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं साहब तिरंगा फहराया जाएगा, चेंजेस तो हो ही रहे हैं। अच्छा, एक बात ये है कि कहा जा रहा है कि मोदी कुछ ना कुछ चौंकाने वाले फैसले पिछली बार भी लिए थे, नोटबंदी, GST, इस तरह की चीज़ें, आधी 8 बजे रात को नोटबंदी का फैसला लिए, तो क्या उन ऐसा इस बार कहा जा रहा है, इस बार तो और भी ज़्यादा संख्या से आ रहे हैं तो कुछ चौंकाने वाले और फैसले ले सकते हैं, तो क्या मतलब हम ये मान गए चले कि उसमें ये 35A थे और ये 370 एक चौंकाने वाला सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है? चौंकाने वाला नहीं है, मैंने बोल चुके हैं लेकिन कब करेंगे, सवाल तो ये कब करेंगे, लेकिन हमारा सवाल ये करेंगे या नहीं करेंगे, सकने वाली बात हम लोग अभी बात कर रहे हैं नहीं। देवेंद्र जी, ये तो स्पष्ट तौर पे है, ये मैनिफेस्टो में है, संकल्प पत्र में है, और साफ तौर पे कहा है कि 35A के बारे में हम गंभीरता से सोचेंगे करें। मैंने आपसे जैसे पहले कहा थोपना नहीं चाहती, थोपने वाली, मैंने आपसे कहा कि एक लाइन जो है जो प्रधानमंत्री से बहुत सारे इंटरव्यूज में कही गई उसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि अटल जी वाला जो फॉर्मूला है इंसानियत जमहूरियत वाला, इंसानियत वाला, उसी फॉर्मूले पे हम काम करेंगे और जम्मू कश्मीर की सारी समस्याएं जिनमें की 35A भी शामिल है, 370 भी उसमें आता है, उसमें
हम काम करेंगे, ऐसा बीजेपी ने कहा है। और क्योंकि बहुमत है, आपने कहा, देखिए जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, वहां तक आपने वाईएसआर सीपी की बात करी या बाकी दलों की बात करी, जम्मू कश्मीर के केस में मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पे तो आपका बहुमत है, परंतु जैसे उन्होंने बात करी कि सारे फैसले सर्वमत से लिए जाएंगे, तो जम्मू कश्मीर की जनता का हित भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी संगठन के तौर पे अपने आप को स्थापित करना चाहती है। हालांकि वहां के जो समीकरण हैं वो फिलहाल नजर नहीं आते, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो नहीं चाहेंगी, क्योंकि उनको राजनीति ही सब चीजों पर आधारित है। अगर हम बात करें फारूक अब्दुल्ला की, या बात करें अभी हार गई हैं महबूबा मुफ्ती की, वो क्यों चाहेंगी अपनी बेस को हटाने की? तो ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बना के इस तरह से अपनी सत्ता चलाती हैं। आप देखो, उनको जनता ने कठोर फैसला तो लेना पड़ेगा ना। जहां तक आपने बात करी कि वहां पीडीपी को तो इस बार हार गई है महबूबा मुफ्ती, अनंतनाग सीट से हार गई है, तो जो मुद्दे हैं वहां पे वो करेंगे, पर आप एकदम इसकी घोषणा सार्वजनिक तौर पे होगी कि हम इसको करने जा रहे हैं, और ऐसा मुझे नहीं लगता बातचीत का स्तर चलेगा। वो चाहे एनसी के स्तर पे हो, जितनी भी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, उनके साथ बैठ के होगी, तय किया जाएगा, और उसके बाद मुझे